भारत और वेस्टइंडीज की टीम अहमदाबाद की नरेंद्र मोदी स्टेडियम पर आमने सामने होने वाली है 6 तारीख को। लेकिन उससे पहले भारतीय फैंस के लिए बैड न्यूज, काफी सारे बड़े प्लेयर्स कोविड के चलते इस सीरीज से बाहर हो चुके हैं। लेकिन आप लोगों को बता दूं, BCCI ने तुरंत 2 नए प्लेयर्स को स्क्वाड में शामिल कर चुकी है जो वेस्टइंडीज टीम के खिलाफ पहला ODI मैच में खेलने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, शिखर धवन, श्रेयस अय्यर, ऋतुराज गायकवाड़, नवदीप सैनी और अक्षर पटेल कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसके कारण उन 5 बड़े प्लेयर्स को भारतीय स्क्वाड से बाहर रखा गया है। तो पहला ODI मैच में ओपनिंग बैट्समैन के तौर पर रोहित शर्मा के साथ शिखर धवन उतरने वाले थे, लेकिन अब उनके जगह स्क्वाड में मयंक अग्रवाल को शामिल कर लिया गया है और दोस्तों बैकअप के तौर पर ईशान किशन को तुरंत स्क्वाड में शामिल कर लिया गया है। तो दोस्तों आप लोगों को बता दूं, KL राहुल फर्स्ट ODI मैच में अवेलेबल नहीं रहेंगे, सेकेंड ODI मैच से टीम के साथ जुड़ जाएंगे। तो पहला ODI मैच के लिए भारतीय टीम का प्लेइंग 11 कैसा होना चाहिए नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक के साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।